तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमेंटिक रोल्स। सेमेंटिक रोल्स में अभी तक हमने अगर सेंटेक्स एनालिसिस कर लिया होता तो हमें ये क्लियर होता कि हम किसी सेंटेंस को जब पार्स करते हैं, जब उसे सेंटेक्स एनालिसिस करते हैं, तो हम उसमें से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हम ग्रामेटिकल फंक्शंस कहते हैं। थोड़ा सा पहले वाले में हमने पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसको इंट्रोड्यूस किया था कि सेंटेक्स एनालिसिस में, खासतौर पर डिपेंडेंसी एनालिसिस में, हम वर्ब के और रूट वर्ड के और दूसरे वर्ड्स के दरमियान में रिलेशंस मालूम करते हैं, जिन रिलेशंस में से में सब्जेक्ट भी होना भी है, ऑब्जेक्ट होना भी है। फॉर एग्जांपल, ये सेंटेंस हमारे पास, ये तीन सेंटेंसेस आ रहे हैं, द ग्लास ब्रोक, इसमें ग्लासेस है, जॉन ब्रोक द ग्लास एंड द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय जॉन। तो एक ही बात है लेकिन वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल हुई है। जब सिंटैक्टिक एनालिसिस होगा तो सिंटैक्टिक एनालिसिस में हम ये कहेंगे कि ग्लास का ग्रामेटिकल फंक्शन सब्जेक्ट है, क्योंकि वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि ब्रोक आके उससे आके पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो द ग्लास ब्रेक्स कहते हम, और ग्लासेस ब्रेक कह रहे होते, तो ब्रेक की फॉर्म चेंज हो रही होती ऑन द बेसिस ऑफ ग्लास, जिसे एग्रीमेंट कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से जॉन ब्रोक द ग्लास में जॉन सब्जेक्ट है और ग्लास ऑब्जेक्ट है, तो वही सेंस है, उसी तो वही इस्तेमाल है, लॉजिकली और सेमेंटिकली सेम बात है, लेकिन पहले सेंटेंस में ग्लास सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और दूसरे सेंटेंस में ग्लास ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और फिर अगर हम इसकी पैसिव वाइज देख लें, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय जॉन, तो ग्लास फिर एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ और जॉन जो है वो ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो गया। तो सिंटैक्टिकली जो चीज होती है, पहले हम डिफरेंट लेवल पे एनालिसिस कर रहे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस कर लिया, सिंटैक्स एनालिसिस कर लिया, सिंटैक्स एनालिसिस के एंड पर हमारे पास ग्रामेटिकल फंक्शन आ सकते हैं कि इस सेंटेंस में ये ग्रामेटिकल फंक्शन इस्तेमाल हुआ है। वो ग्रामेटिकल फंक्शन लाजमी नहीं है कि किसी सेमेंटिक कॉन्सेप्ट पे मैप हो रहे हो। नॉर्मली होता यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट जो है वो एजेंट होते हैं जो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ऑब्जेक्ट पेशेंट होते हैं जिन पर एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, जैसे इस एग्जांपल में बताया है। तो अगर हम वैसे देखें तो हमें सेमेंटिकली अगर डिफाइन करना हो तो हम इन सेंटेंसेस को इस तरह से डिफाइन करेंगे, द ग्लास ब्रोक, ग्लास इज अ पेशेंट जिस पर एक्शन परफॉर्म हुआ, जॉन ब्रोक द ग्लास, जॉन इज द एजेंट और ग्लास इज द पेशेंट, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय जॉन, इसमें ग्लास पेशेंट है, जिस तरह से ऊपर हर चीज में, क्योंकि इस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है। पैसिव वाइस में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन उसकी सेमेंटिक प्रॉपर्टीज तो वही रहती हैं। तो द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय जॉन, और बाय जो है वो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज में आया है, लेकिन उसके बावजूद वो जॉन एजेंट है। तो जब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन करनी हो या कंप्यूटेशन में, या आपको इसमें से ये पता करना हो कि किस शख्स ने क्या एक्शन परफॉर्म किया, तो वहां पर आप ग्रामेटिकल फंक्शन पे फैसला नहीं कर सकते, बल्कि उसके सेमेंटिक रोल्स मालूम करने की जरूरत होती है। तो हम अगर ये सिस्टम बनाना चाहते हैं कि किस शख्स ने क्या एक्शन परफॉर्म किया, तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम वर्ब लें, उस वर्ब के सारे सब्जेक्ट एक जगह जमा कर दें और सारे ऑब्जेक्ट एक जगह जमा कर दें, लेकिन उस पर भी मसला आ जाएगा। ब्रेक का सब्जेक्ट ग्लास भी आ रहा है और जॉन भी आ रहा है, तो ग्लास एक अलग तरह का सब्जेक्ट है और जॉन एक अलग तरह का सब्जेक्ट है। तो बेहतर इस किस्म के चीजों में जब आप उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सेंटेक्स के टॉप पर, सेंटेक्स के बाद आपको सेमेंटिक एनालिसिस भी करना होता है और सेमेंटिक रोल्स मालूम करने होते हैं। अच्छा, सेमेंटिक रोल्स किस तरह से मालूम करने होते हैं? सेमेंटिक रोल्स मालूम करने के लिए एक तो पहले सेमेंटिक रोल्स की लिस्ट बनाएं, और फिर कोई ऐसा सिस्टम बनाएं, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो लर्न करके या रूल बेस्ड सिस्टम से उस पे सेमेंटिक रोल्स असाइन करे। तो सेमेंटिक रोल्स क्या हो सकते हैं? एजेंट हो सकता है, एक्सपीरियंसर हो सकता है। अब इसमें भी यह है कि डेविल लाइज इन द डिटेल में बात वाली जो बात होती है कि आप एक चीज पर बहुत ज्यादा बहस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन ब्रोक द ग्लास वाली बात तो सही है कि जॉन एजेंट है जिसने एक्शन परफॉर्म किया ग्लास तोड़ने का, लेकिन जॉन
John is feeling warm, या John is feeling hungry, या John is feeling thirsty. वहां जब वो फीलिंग फील कर रहा है तो वहां वो एजेंट तो नहीं होगा फील का, उस केस में वो क्या है, या तो क्या वो एक चीज पे इंट्रोड्यूस करवाई जाती है एक्सपीरियंसर, कि वो वहां पे वो एक्सपीरियंसर है, या जॉन सॉ सम इवेंट, तो यहाँ पे सॉ में वो एजेंट है या वो एक्सपीरियंसर है, इस पे ये सवाल होता है, क्या वो कॉजर है. खासतौर पर उर्दू में ये बहुत इस्तेमाल होता है कि जॉन ने माइकल से ये काम करवाया, तो जॉन जो है वो एजेंट है या वो कॉजर है और एजेंट माइकल है, तो इस तरह की बहस मतलब जो कॉज द टीचर मेड मी अंडरस्टैंड, कॉज क्रिएट करता है, द टीचर मेड मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाया. तो अब इसमें एजेंट कौन है, टीचर है और कॉजर कौन है, या मैं जो हूँ वो, इसमें एक और मसला आ जाता है, मेड मी अंडरस्टैंड, तो मैं जो हूँ मी जो है वो एक्सपीरियंसर है या वो पॉजिटिव है, तो ये एक सवाल है, यानी मेड मी अंडरस्टैंड दिस थिंग और मेड मी कट अ ट्री, अगर ये दो अलग अलग में हो जाए तो मेड मी में एक जगह पे मी जो है वो एक्सपीरियंसर है, एक्सपीरियंसर एक जगह पे वो जो है वो एजेंट है, और क्या टीचर जो है वो कॉजर है, तो इस तरह की बहसें मौजूद होती हैं. फिर ज्यादा पेशेंट और थीम में, आई ब्रोक द ग्लास, ग्लास टूट गया तो वो तो पेशेंट हो गया, आई रीड अ बुक, ब्रोक द ग्लास में, ग्लास में चेंज आ गई तो वो तो पेशेंट हो गया जिस चीज में चेंज आ गई, आई रीड अ बुक, बुक में कोई चेंज नहीं आई, तो वो उसे हम नॉर्मली थीम कहते हैं, लेकिन पेशेंट और थीम के दरमियान में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें हम नहीं कह सकते. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जूता पहना, तो वो जूता पहने से वो एक तरह से यूज हो गया, इस्तेमाल हो गया, या मैंने कागज पे लिखा तो कागज एक तरीके से इस्तेमाल हो भी गया या नहीं हो गया, तो पेशेंट और थीम में सेमेंटिस्ट हमेशा डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि इस जगह पे ये पेशेंट है या इस जगह पे वो थीम है. स्टिमुलस, आई एक्सप्रेस एन आइडिया, सर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई एक्सप्रेस एन आइडिया, हाँ अब ये आइडिया क्या है, ये थीम है, आई थिंक दिस इज थीम, थीम थीम. अच्छा, मैं आई फेयर डार्कनेस, अब इसमें डार्कनेस क्या है, थीम है या स्टिमुलस है, बस लोग फिर कहते हैं नहीं थीम नहीं होगी वहां पे, वो स्टिमुलस होगी, तो डिफरेंट सेमेंटिक एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट सेट ऑफ सेमेंटिक रोल्स देने शुरू कर दिए थे, और फिर वहां पे एक मसला हो गया कि किसी ने सात दिए, किसी ने छह दिए, किसी ने कहा स्टिमुलस की जरूरत नहीं, वो थीम के साथ चल जाएगा, किसी ने कहा नहीं स्टिमुलस अलहदा से मुझे चाहिए, किसी ने कहा एजेंट और एक्सपीरियंसर को अलग अलग नहीं करें, किसी ने इसमें भी फॉर एग्जाम्पल द विंड ब्रोक द ग्लास द विंडो, अब इस विंड को एजेंट कहें या इसके लिए कोई हम नई चीज लेकर आए, क्योंकि एजेंट में पे सेंटेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह की एक बहसें चल गई कि उन्होंने विंड के लिए भी फिर कोई नया विंड टाइप के एजेंट के लिए भी जो इनएनिमेट एजेंट्स हैं उनके लिए फिर नए सेमेंटिक रोल ईजाद करने शुरू किए. तो ये सेमेंटिक रोल्स कितने होते हैं, एक जमाने तक बहस होती रही, फिर कंप्यूटेशन की दुनिया में एक सजेशन दी गई कि आप इसे फैलाएं नहीं, बहस को समेटने की कोशिश करें. तो एक यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलोराडो में ये बेसिकली काम हुआ था, प्रॉप बैंक का, उसमें उन्होंने कहा कि हम कम सेमेंटिक रोल्स रखेंगे. और एक और चीज जो बहुत पहले पाणिनि ने की थी और अब इन लोगों ने की, कि अक्सर जब हम नाम रखते हैं तो नाम रखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे विंड ब्रोक द विंडो में, अपने कहा विंड तो एजेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें सेंटेंस नहीं है, तो उन्होंने कहा हम चीजों का नाम नहीं रखेंगे, हम आर्गुमेंट जीरो, आर्गुमेंट वन, आर्गुमेंट टू रखेंगे. आर्गुमेंट जीरो यह है कि वो किसी भी तरह का थोड़ा बहुत एक्शन परफॉर्म कर रहा है. अब इसमें सेमेंटिक्स में एक पूरी बहस है कि आप कुछ प्रोटो एजेंट प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रोटो पेशेंट पेशेंट प्रॉपर्टीज होती है, फिर कौन एजेंट जैसा है और कौन पेशेंट जैसा है, यानी जो कोई हो सकता है कोई परफेक्ट एजेंट ना हो लेकिन उसमें एजेंट की प्रॉपर्टीज ज्यादा हो, कोई पेशेंट ना हो लेकिन उसमें पेशेंट की प्रॉपर्टीज ज्यादा हो, तो उन प्रॉपर्टीज की बेस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जिसकी बेस पर हम फैसला करते हैं कि वो एजेंट लाइक ज्यादा है या पेशेंट लाइक ज्यादा है. आर्गुमेंट जीरो हो गया जिसमें एजेंट और एक्सपीरियंसर दोनों आ रहे हैं,
यानी जॉन ब्रोक द ग्लास और जॉन फेल्ट कोल्ड, दोनों में जॉन जो है वो आर्गुमेंट जीरो है। जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है जॉन ब्रोक द ग्लास या जॉन बॉट द ग्लास, बॉट द ग्लास में ग्लास पे कुछ चीज तब्दीली नहीं हो रही तो वो थीम है, और ब्रोक द ग्लास में वो पेशेंट है। इसी तरीके से फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे आई गेव जॉन अ बुक, तो इसमें जॉन बेनिफिशियरी है कि उसे कोई फायदा हुआ, या रेसिपियंट है जॉन, आई बॉट अ बुक फॉर जॉन, या आई बॉट अ बुक टू जॉन, आई गेव अ बुक टू जॉन, तो रेसिपियंट और बेनिफिशियरी को फिर आर्गुमेंट टू रख दिया गया कि इसकी एजेंट लाइक प्रॉपर्टीज कम है। सर इसमें अगर हम दो रिसिपिएंट के फंक्शंस को सिंटैक्टिकली देखें तो इसमें जैसे आपने भी फरमाया आई बॉट अ बुक फॉर जॉन, तो इसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के वाले से भी अगर डिस्कस करें तो तब भी इसका रोल रिसिपिएंट ही रहता है। आई बॉट अ बुक फॉर जॉन, आई बॉट अ बुक टू जॉन, ऐसे भी इसको अगर लिखें तो इन बोथ द केसेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो इसका फंक्शन सिमेंटिक रोल रिसिपिएंट ही होगा, तो इन बोथ द केसेस ईदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एग्जैक्टली प्रॉप बैंक वालों ने इसी बहस को खत्म करने की कोशिश की है कि आई बॉट अ बुक फॉर जॉन या आई बॉट अ बुक टू जॉन अगर मैं कह देता तो अब इस वक्त मुख्तलिफ लोग ये बातें कह सकते थे, नहीं यहाँ ये बेनिफिशियरी है या ये रेसिपिएंट है, तो जो मिलते जुलते थे उनमें फाइन ग्रेन डिफरेंस था, उन्होंने कहा उन सबको मिलाकर एक सिंगल आर्गुमेंट कह दें कि ये आर्गुमेंट टू है, बात ही खत्म हो गई। फिर भी इसमें जब उर्दू पे आए तो इन्हें और मसले हुए, लेकिन आर्गुमेंट जीरो, आर्गुमेंट वन, आर्गुमेंट टू, फिर आगे इंस्ट्रूमेंट के लिए भी आर्गुमेंट है, और आखिर में उन्होंने फिर आर्गुमेंट एम रखा मॉडिफायर्स के लिए जो कोर आर्गुमेंट नहीं है। जॉन जैसे सर सेंटेंस आई गेव माय वाइफ अ रिंग, I gave a ring to my wife. In both the cases, wife you have a recipient है. Recipient है, बिल्कुल। तो वो argument two होगी और I argument zero और ring जो है वो argument one हो गया। एक इन्होंने differentiate किया है John के, इन्होंने कुछ तो main argument है जैसे zero one two कह दिए जो action में परफॉर्म एक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं और वर्ब बता रहा होता है कि ये आर्गुमेंट है कि वर्ब कहेगा कि मुझे एक एक्सपीरियंसर चाहिए होता है, फेल्ट है तो उसे एक एक्सपीरियंसर चाहिए और ब्रोक है तो उसे एक एजेंट चाहिए, इस तरह की बातें, यानी ये वर्ब की सिलेक्शन है, वर्ब की एक तरह की सेमेंटिक सिलेक्शन रिस्ट्रिक्शन है कि मुझे इस तरह का सब्जेक्ट चाहिए और इस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए। कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे होते हैं जो हर एक के साथ आ जाते हैं, जॉन रीड द बुक इन द इवनिंग और जॉन फेल्ट कोल्ड इन द इवनिंग, तो इन द इवनिंग किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकता है किसी वर्ब में, तो ये मॉडिफायर जो है वो आर्गुमेंट आर्ग एम कहलाते हैं एडवर्बियल मॉडिफायर के तौर पे, कि ये मेन पैरामीटर्स नहीं है, मेन पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि ये सेटिंग्स को बता रहे हैं कि शाम का वक्त था या मैनर क्या था या जगह क्या थी, तो ये सब के सब आर्गुमेंट एम में जा रहे होते हैं। प्रॉप बैंक पे फिर जो इन्होंने काम किया वो चीज एस्टेब्लिश हो जाती है जिसपे आप अच्छी खासी चीजें बना ले, इन्होंने इंग्लिश पे बनाया, अरबी पे, चाइनीज पे, इंग्लिश, अरबिक, फिर हिंदी, फारसी और उर्दू पे भी, उर्दू पे इसके अच्छे खासे मैंने बनाए थे, तो उसमें अब आपको इस तरह से बताना पड़ता है। मैं अभी ये खत्म करके फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि आपके पास रोल आईडी फॉर एग्जांपल डगमगा लिखा हुआ है, ये डगमगा है जिसका मतलब टू ट्रेम्बल और टू शेक, उसके बारे में बताएंगे कि डगमगा में सिर्फ आर्गुमेंट एक ही आर्गुमेंट होता है, हेलीकॉप्टर डगमगाया तो हेलीकॉप्टर आर्गुमेंट वन है, जो पेशेंट भी हो सकता है, जो थीम भी हो सकता है, और रिलेशन डगमगाया है और बुरी तरह उसका आर्गुमेंट एम और उसके बाद हाइफन लाके मैनर के, वो मैनर बता रहा है कि किस मैनर क्या था, हेलीकॉप्टर बुरी तरह डगमगाया। तो इन्होंने ये किया था कि सारे वर्ब्स लिए और बाद में फिर नाउन्स भी जिनके आर्गुमेंट मौजूद होते हैं और उनके साथ हर नाउन के एक फ्रेम फाइल बनाई और उस नाउन के साथ जो जो हर
वर्ब की फ्रेम फाइल बनाई और उस वर्ब के साथ जो जो आर्गुमेंट इस्तेमाल होते हैं वो आपने उसके स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया और उसकी कुछ एग्जांपल्स दे दी। तो उर्दू के लिए अवेलेबल है, अगर कोई सिंधी में और बलोची में बनाना चाहे या सराइकी में बनाना चाहे तो वो इसी पैटर्न को सामने रख के उसके लिए बना सकता है और ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ये बताएगा कि एजेंट ये है और पेशेंट ये है, तो ये बेहतर होंगे ग्रामेटिकल फंक्शन के मुकाबले में। अब आप सर एक्सक्यूज मी आई एम सो सॉरी थोड़ा सा रिपीट कर दें ये कॉन्सेप्ट उर्दू प्रॉब्लम का जो आपने बताया कि हो चुका है। हाँ, अगर वन मिनट में प्लीज जी प्लीज सॉरी। प्रॉप बैंक जो है वो सिर्फ उर्दू नहीं, इंग्लिश पहला प्रॉप बैंक जाहिर है इंग्लिश का बना था, फिर और जबानों के लिए भी बना, अरबी का बना है, फारसी, हिंदी का, और उसका आइडिया यह है कि हम वर्ब्स लेंगे या ऐसे रूट वर्ड्स लेंगे जिनके आर्गुमेंट्स होते हैं और उन आर्गुमेंट्स की सेमेंटिक टाइप्स बता देंगे कि उनके साथ कौन से सेमेंटिक रोल्स अटैच होते हैं। तो डगमगा वर्ब लिया और हमने कहा कि वर्ब डगमगाना के साथ क्या चीज अटैच होती है, उसका एक सब्जेक्ट ही होता है, हेलीकॉप्टर डगमगाया, शस्त्र डगमगाया, कदम डगमगाए। अच्छा, वो जो सब्जेक्ट होता है उस वो आर्गुमेंट वन है। आर्गुमेंट वन हमने पिछले वाले में कहा था कि क्यों, क्योंकि डगमगाना एजेंट नहीं है, हेलीकॉप्टर डगमगाया या वो शख्स डगमगाया उसमें वो एजेंट या एक्सपीरियंसर नहीं है, बल्कि वो पेशेंट है क्योंकि वो उस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इसलिए पेशेंट और थीम है, तो इसलिए हमने उसको आर्गुमेंट वन कह दिया। तो डगमगा के साथ सिर्फ एक सेमेंटिक रोल अप्लाई होता है जिसे जो आर्गुमेंट वन है। अगर कुछ और होता, पढ़ना होता, तो पढ़ना के साथ दो इस्तेमाल हो रहे होते, मैंने किताब पढ़ी, मैं जो है जो सब्जेक्ट आ रहा है वो आग जीरो होगा। अब आप उसमें बहस करने की जरूरत नहीं है कि वो एजेंट है या एक्सपीरियंसर है या कुछ और है। किताब जो है वो आर्ग वन होगी, आर्गुमेंट वन होगी, सेमेंटिक टाइप वन है। अब वो इसमें वो बहस नहीं होगी कि वो किताब पेशेंट है या थीम है। पेशेंट, टिपिकल पेशेंट ये होता है कि जिस चीज में चेंज आ जाए, ग्लास टूटा, ग्लास में चेंज आ गई, मैंने ग्लास खरीदा तो ग्लास में फिजिकली ग्लास खरीदने से पहले जैसे था वैसे ही बाद में रहा, तो वो चेंज नहीं आई, तो उसे नॉर्मली थीम कहते हैं। तो आर्गुमेंट वन और फिर उसमें एक एग्जांपल ये दे दी। तो ये एक तरह से टेम्पलेट था, इस टेम्पलेट को यूज करते हुए फिर लोगों ने कॉर्पस को टैग करना शुरू कर दिया एनोटेटर्स ने, तो उन्होंने एक सेंटेंस पढ़ा उसमें बता दिया कि मेन वर्ब ये है, इसका आर्गुमेंट वन, ये हेलीकॉप्टर जो है उसका आर्गुमेंट वन है, और ये जैसे मैंने किताब पढ़ी मैं जो है उसका आर्गुमेंट जीरो है और किताब आर्गुमेंट वन है, एंड सो ऑन। जी सर, इज इट नेसेसरी के जो डगमगाना है ये हमेशा एंड में ही यूज होगा उर्दू में, हेलीकॉप्टर बुरी तरह डगमगाया, मतलब मैं अगर कहता हूँ डगमगाते डगमगाते मैं संभल गया, डगमगाते वो तो दरअसल वो फिर यूजिंग इट एज जेरंड, मैं इसको एज जेरंड यूज करूंगा। दो तीन चीजें हैं, एक तो एज जेरंड यूज हो जाता है, जो जेरंड के तौर पे जब यूज करेंगे तो वो एडजेक्टिव ही होगा। दूसरा, आप इसे जैसे किताब पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, तो इसमें जो है ये फिर वो किताब पढ़ते पढ़ते एक क्लॉज है जो, और आपको बताना पड़ेगा कि वो मेन मैं सो गया के का एक चाइल्ड जो है ना वो किताब पढ़ते हैं, तो एक तो वो क्लॉज अगर बीच में आ रही है तो होगा। वैसे वर्ब्स को आप टॉगल कर सकते हैं। अच्छा, वर्ब्स को आप वैसे टॉगल कर सकते हैं जैसे अगर किसी को आप बिठा के जाएं स्टूडेंट को कि ये पढ़ लेना, और फिर वापस आके आप कहें पढ़ ली किताब, तो बिल्कुल शुरू में भी ये बात कही जा सकती है कि आप किसी को टास्क देके चले गए या किसी ने खुद से एक्साइटमेंट में कहा कि बस मैं ये अभी एक घंटे में ये बुक खत्म कर देता हूँ, और फिर वापस थोड़ी देर बाद आप मिले तो आपने उससे पूछ सकते हैं पढ़ ली ये किताब। तो वो वर्ड ऑर्डर वैसे तो यह है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर
वर्ब आएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर के हवाले से कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है और तो उस बेस पर हम इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। और ये भी एक ये चीज वो थी जो लास्ट में मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये हमारे पास मौजूद है, फिर मैंने आखिर में स्किप कर दी कि ये अलग है, लेकिन इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर की बेस पर ये चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। इस पे भी काम हुआ है कि अगर हम वर्ड को शुरू में लेके जा रहे हैं और सब्जेक्ट को आखिर में लेके जा रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, इसकी कोई और इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर के लिए, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर के लिए फोकस का होना एक मैंडेटरी एलिमेंट है। हाँ, तो जिस चीज को फोकस करेंगे उसकी जो कैनोनिकल फॉर्म है वही है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, कैनोनिकल एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट आएगा जी। अच्छा, और अगर सर हम नॉन कैनोनिकल फॉर्म की तरफ जाएंगे, फिर नॉन कैनोनिकल फॉर्म की तरफ जाएंगे तो उसमें फिर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी होगी, मतलब नॉन कैनोनिकल फॉर्म में सर पिछले कॉन्टेक्स्ट की वजह से कोई ना कोई चीज आपको प्रीसपोजिशन उसमें सर प्रीसपोजिशन देनी पड़ेगी। देखिए कैनोनिकल सेंटेंस ऑर्डर उसका आ जाएगा एसवीओ, और जब हम उसको नॉन कैनोनिकल की तरफ जाएंगे तो उसमें फिर फोकस भी आ जाएगा, और हमने डिसाइड करना है कि फोकस को एज सब्जेक्ट लेना है या ऑब्जेक्ट लेना है। तो इसमें इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर और फोकस होगा, और उसके लिए जो इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन यूज होती है वो क्लेफ्ट कंस्ट्रक्शन यूज होती है, इट इज द बुक दैट आई रेड। इसमें जो फोकस किया जा रहा है वो बुक को किया जा रहा है, और जो स्ट्रक्चर इसका बना रहे हैं वो डमी प्रोनाउन के जरिए इट यूज करेंगे जो के डमी प्रोनाउन है उसका। तो इस तरह ये इसका कंस्ट्रक्चर नॉन कैनोनिकल सेंटेंस का जब भी स्ट्रक्चर बनेगा वो क्लेफ्ट कंस्ट्रक्शन के साथ बनेगा, इट क्लेफ्ट के साथ बनेगा, या वो फिर डब्ल्यू एच क्लेफ्ट के साथ बनेगा, या फिर वो रिवर्स डब्ल्यू एच क्लेफ्ट कंस्ट्रक्शन के साथ बनेगा।